स्वयं इस पूरी की पूरी प्राकृतिक आपदा का स्वयं निगरानी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सर, महू वाले मामले में पीएम रिपोर्ट आ गई है? महू मामले में पीएम रिपोर्ट निश्चित रूप से आ गई है। सर, क्या उसमें अपडेट? सर, उसमें क्या? अभी डिटेल में ले लेता हूं अभी। जी सर, सरकार कई बड़े डिसीजन लिए, आते बंद किए हैं, लेकिन सारे डिसीजन सरकार के कोरोना काल में सरकार आने के बावजूद भी महत्वपूर्ण निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में लेती आई है। वो सरकार जो कोरोना के पहले थी, जो रोना रोती रहती थी कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, उसके बावजूद भी, कोरोना काल होने के बावजूद भी सरकार ने कोरोना में आपदा की उस घड़ी में, विपत्ति की उस घड़ी में मजदूर को, किसान को दिक्कत नहीं होने दी। लगातार राहत किसानों को दी, मजदूरों को दी, प्रवासी मजदूरों को दी। उसके बाद में अभी लाडली बहना तक आप देखेंगे आहाते बंद कर, ये तो इस महीने के निर्णय हैं। लगातार सरकार ने जनहितैषी निर्णय लिए हैं कि शिवराज सिंह जी की सरकार है और 23 तारीख को उत्साह और उत्सव का दिन। सुर्खियों में बने रहने को और वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्स तो कहीं मिल नहीं रहा जनता का। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर लेते हैं, एक भैया उनका बड़ा वाला, वो कर्मचारियों को धमकाते हैं, ये मंत्रियों को धमकाते हैं, नेताओं को धमकाते हैं। इसको अगर कोई अड़ीबाजी कह देगा तो बुरा मान जाएंगे। ये काहे की अड़ीबाजी है, 20 साल से हार रहे हैं, कोई पहली बार 20 साल से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं। पहले संगत की पंगत की थी, अब अड़ीबाजी। किसानों के बीच आप थे और अभी एक आध जगह बता दे वो कहां सर्वे नहीं हुआ। देखिए, झूठ की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती है। हमारे विधायक, हमारे मंत्रीगण, मैं स्वयं खुद ओलावृष्टि में किसानों के बीच में गए, खेत पे गए, मेड़ पे गए। आप बताएं कहीं कमलनाथ जी गए क्या? दतिया जिले में ओले पड़े, गुना जिले में ओले पड़े, दोनों जगह दिग्विजय सिंह जी थे। कहीं एक जगह किसानों के पास गए क्या? एक जगह बता देना कहीं कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी गए हो तो। ये इनकी राजनीति सिर्फ झूठ बोलने की है और झूठ पर ही आधारित राजनीति कांग्रेस। सर, कांग्रेस ये भी मांग कर रही है कि शुरुआती राहत किसानों को मिलना चाहिए। 20 मार्च को कमलनाथ ने इस्तीफा दिया था, कल लोकतंत्र निकाल रही है आज। संकल्प क्या दिवस निकालना चाहिए उन्हें? माफी दिवस मनाना चाहिए उनको, क्षमा मांगना चाहिए कि उनके नेतृत्व में 42 MLA टूट के चले गए अलग 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 अलग। कभी राष्ट्रपति पर क्रॉस वोटिंग कर देते हैं वो, कभी कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इनके नेता चले जाते हैं। आप संगठन नहीं संभाल पाए तो कांग्रेस के लोगों से माफी मांगो। सर, किसानों को शुरुआती राहत देने की मांग। सर, राहुल गांधी मिस्टर पूछताछ की बात में उन्होंने ट्वीट किया कि सावरकर समझाए क्या? नहीं, सावरकर के तो पासंग में भी नहीं मानते हम उन्हें राहुल गांधी ही समझते हैं। वो राहुल गांधी जो विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं, वही राहुल गांधी समझते हैं। वो राहुल गांधी जो टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं, हम वही राहुल गांधी उन्हें समझते हैं। यात्रा में देश के खिलाफ बात करने वालों को साथ लेकर जो राहुल गांधी चलते हैं, हम वही राहुल गांधी समझते हैं। राम और सीता पर जो विवाद खड़ा करते हैं, हम वही राहुल गांधी इनको समझते हैं। जूत के मार के भगा देंगे सेना से ऐसी बात करने वाले राहुल गांधी को ही, हम वही राहुल गांधी समझते हैं। और खुद की तुलना भगवान से करने वाले राहुल गांधी, वही राहुल गांधी समझते हैं। ये दिग्विजय